टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिहार पुलिस पहुंची है मुंबई सुशांत सिंह राजपूत की मामले की जांच करने। बिहार पुलिस के SP विनय तिवारी भी पहुंचे मुंबई। पहुंचने के कुछ ही देर बाद BMC ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया, होम क्वारंटाइन, और हाथ पर ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगाने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस संबंध में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर कहा, ये बिहार के IPS रैंक के अधिकारी हैं विनय तिवारी, जिनको मुंबई में रात में 11 बजे जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया। सुशांत सिंह केस में जांच करने वाली टीम का नेतृत्व करने गए थे, अब वहां से कहीं निकल नहीं सकते। इधर बिहार के DGP ने बताया कि महाराष्ट्र के DGP से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, सुशांत के पिताजी ने 25 जुलाई को बिहार के पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। 7 पन्नों की FIR पर अब मामले की जांच करने बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंचे, जिसमें IPS विनय तिवारी भी नेतृत्व करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर में ही उन्हें BMC ने ठप्पा लगाकर होम क्वारंटाइन कर दिया। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है, सुशांत को उकसाया और उसे बंद करके रखा गया था। साथ ही बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। सुशांत के बारे में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। धमाका करने का इरादा नहीं है, यहाँ धमाका करने के लिए हम लोग बेचैन नहीं है। हमारा दर्द ये है कि सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए, आज लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पब्लिक CBI की मांग तो कर रही है। पब्लिक का परसेप्शन जो है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन सर, जनता जो है वो CBI की मांग हो रही है। CBI की जनता सवाल है ना, आप समझिए ना। जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो CBI की मांग कर सकते हैं, तो हम क्यों CBI को देंगे। हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूं और आगे की डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन की वो हम लोग तय करें। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़े। केस में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेज हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले। मूवमेंट रुक गया है, वो अब कहीं नहीं निकल सकते। जहाँ हैं वहीं उनको रुकना है। वो उनका ठिकाना अभी मुंबई पुलिस को नहीं पता है। पटना सीनियर SP से वहाँ के अधिकारी ने उनका लोकेशन जानने की कोशिश की, लेकिन पटना सीनियर SP ने नहीं बताया। उनको भी क्वारंटीन करना चाहते हैं वो लोग। पूछा गया तो इसका मतलब होगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो तो एक सप्ताह से हैं और छुप के नहीं है, अधिकारियों के दफ्तर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, DCP इन्वेस्टिगेशन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको क्वारंटीन करना था तो अब 8 दिन के बाद क्यों क्वारंटीन करना था। बिहार पुलिस का दावा है, हम जल्द इस केस को सॉल्व कर लेंगे। इधर बिहार विधानसभा में सुशांत केस में जमकर हंगामा हुआ। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई और उसके बाद जांच में मुंबई पुलिस ने सुशांत के सभी एंगल से जांच कर रही थी, और अब सुशांत का मामला और तूल पकड़ लिया है। मुंबई पुलिस तो जांच कर ही रही थी, लेकिन बिहार पुलिस ने अपने स्तर से जांच करने के लिए मुंबई आई, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। अब मामला और तूल पकड़ लिया है। और दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुंबई पुलिस इस केस की
जांच खुद कर सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी मुंबई पुलिस पर विश्वास दिखाया है। मुंबई पुलिस पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट कर आईपीएस को क्वारंटाइन करने के हस्तक्षेप की मांग की है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।